है, पहला आदमी था जिसने कहा था सुशांत सिंह राजपूत को मारने के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ है, और ये बात पूरी सच्चाई है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। और सुशांत सिंह के मर्डर के पीछे कुछ लोगों का हाथ था जो बॉलीवुड के थे, लेकिन किसी का नाम सामने नहीं आया, और इसको मारने के पीछे अंडरवर्ल्ड का हाथ था। सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था मर्डर, आखिर सुशांत केस में वो लोग इन्वॉल्व थे जिनके ऊपर सवाल उठाए गए 2020 में, और वो थे अंडरवर्ल्ड। सुशांत की सारा अली से नज़दीकियाँ क्या किसी को नहीं थी पसंद? सुशांत फेमस हो रहे थे इसलिए बॉलीवुड ने नहीं अंडरवर्ल्ड ने उनको कर दिया साइड। आखिरकार बड़े खुलासे किए गए हैं एनके सूद जी के द्वारा, जो एक्स रॉ ऑफिसर हैं। और दूसरी तरफ रिया पर भी कई आरोप लगे थे। 2020 में खबर निकल गई थी कि रिया को लेकर सीबीआई पॉलीग्राफ टेस्ट करने वाली है, रिया लिए सुशांत के 15 करोड़, ऐसे सवाल उठे थे। पर आज उन सवालों का क्या हुआ आपको बताएंगे इस वीडियो में, कि आखिरकार एनके सूद जी ने फिर से एक बहुत बड़ी बात बोली है, बड़ा खुलासा किया है, वो क्या है आप इस वीडियो में जानेंगे। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद जी जो लगभग 2020 से सुशांत को लेकर कई बड़े खुलासे कर चुके हैं, सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में उन्होंने 2020 में ही ये खुलासा किया था कि सुशांत केस में अंडरवर्ल्ड का हाथ है, बॉलीवुड का कहा जा रहा है कि मदद ली गई, बॉलीवुड के कुछ लोगों की मदद से अंडरवर्ल्ड ने ये काम किया। और कहीं ना कहीं सुशांत मामले में जो दिखाई दे रहा है एक्चुअली में वो नहीं है, जो लग रहा है कि इसने गलत किया होगा उसने किया होगा, वो लोग कहीं ना कहीं दूर दूर से इस पूरे मामले में इन्वॉल्व नहीं है, वो तो सिर्फ वो काम कर रहे थे जो अंडरवर्ल्ड उनसे करवा रहा था। और ये खुलासा, ये शब्द हैं एनके सूद जी के। हाल ही में कहा जा रहा है कि एनके सूद जी ने एक यूट्यूबर से बात करी है, कहा जा रहा है कि जिन्होंने इस पूरे मामले में बहुत बड़ी बात बोली है। एनके सूद जी 2020 से कई बड़े खुलासे कर रहे हैं सुशांत मामले को लेकर, पर हाल ही में जब उनकी बातचीत मैंने सुनी, लगभग 32 मिनट की वीडियो है, और एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं जो सुशांत को लेकर और भी कई मुद्दों को लेकर 2020 से लगातार बात कर रहे हैं, उनके चैनल पे एनके सूद जी आए और कहा जा रहा है कि एनके सूद जी से जब उनसे पूछा गया कि सुशांत केस में आपको क्या लगता है क्या हुआ था सुशांत के साथ, सुशांत केस में कौन गलत है कौन सही है, क्या सीबीआई पूरे मामले में कुछ बोलेगी, तो उन्होंने साफ बताया कि सुशांत केस में मैं पहले बोलता था अब भी बोलता हूँ अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्व है। सुशांत केस को एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया गया, सुशांत केस में अंडरवर्ल्ड का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, और कहीं ना कहीं पूरी प्रॉपर प्लानिंग के तहत इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया अंडरवर्ल्ड के द्वारा। उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एक बात निकल के आई थी कि सुशांत और सारा अली की दोस्ती थी, जब केदारनाथ उन्होंने फिल्म करी थी साथ में तो उनकी दोस्ती बहुत अच्छे से हो गई थी, और खबर निकल के आई थी कि सुशांत करीब 70 लाख रुपये खर्च चुके थे, एक प्राइवेट जेट करके वो घूमने गए थे, जहां पर सारा भी गई थी, ऐसे खुलासे हुए थे मीडिया के द्वारा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, पर मीडिया ने खुलासे करे कि 70 लाख रुपए खर्च हुए जब वो सारा को लेकर घूमने गए कहीं पर। और सारा अली खान जो थी, कहा जाता है कि उनका और सुशांत की जो नज़दीकियाँ थी वो कहीं ना कहीं लोग पसंद नहीं कर रहे थे, वो भी इंडस्ट्री के लोग, क्योंकि दोनों अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे, और ऐसा दावा होता है कि बॉलीवुड के अंदर एक्चुअली में जो खान्स हैं उनका बहुत अच्छे से राज चलता है। आप जानते हैं 3 खान को लेकर अक्सर ये बोला जाता है कि इनकी फिल्में जब आएंगी तो बॉलीवुड में भैया सिर्फ यही फिल्में चलेंगी। और उन्होंने कहा एनके सूद जी ने कि जो खान्स हैं उनकी फिल्में जब इंडिया के बाहर रिलीज़ होती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी फिल्मों को और प्रमोट किया जाता है, पर जब अक्षय कुमार की फिल्में रिलीज़ होती हैं तो कहीं ना कहीं उनको इंडिया के बाहर इतना प्रमोट नहीं किया जाता है। और एक्चुअली में उन्होंने ये बात बोली है कि अक्षय कुमार जब भी अपनी फिल्में बनाते हैं तो आप खुद नोटिस करिए कि वो अपनी फिल्म को खुद बनाएंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे, और कहीं ना कहीं वो इसलिए किया जाता है ताकि उनको फिल्म बनाने के बाद कुछ पेमेंट किसी को ना देनी पड़े, और वो फिल्म अपने ही बलबूते पर वो बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, और उसके बाद वो चले ना चले वो बात की बात है, पर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें खान्स के साथ नहीं होती हैं। और एनके सूद जी का साफ कहना था कि सारा और सुशांत की जो नज़दीकियाँ थीं वो लोगों को नहीं पसंद थी, और ये एक बहुत बड़ी वजह है सुशांत सिंह राजपूत को साइड करने की। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि स्टाफ मेंबर जो सुशांत के यहाँ काम करते थे वो पहले सारा या सैफ के यहाँ भी काम करते थे या बाद में कर भी रहे हैं, कुछ ऐसे लोग दावा करते हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरा पॉइंट रखा कि सुशांत सिंह राजपूत जो बहुत फेमस हो गए थे, काईपोचे फिल्म आई, केदारनाथ आई, छिछोरे आई, एमएस धोनी आई, और भी कई फिल्मों में उन्होंने काम करा, मुकेश बख्शी थी, और आखिरी में फिल्म निकल के आई दिल बेचारा, कई फिल्मों में उन्होंने काम करा। कहा जाता है कि इतनी सारी फिल्में करने के बाद
सुशांत बहुत फेमस हो गए थे और बॉलीवुड कहीं ना कहीं डर रहा था, क्योंकि जब आप बॉलीवुड में फेमस होते हो, जब आपकी फिल्में चलने लग जाती है तो आपको एडवर्टीजमेंट मिलती है, और एडवर्टीजमेंट मिलेगी तो आप कमाओगे। और जब कहा जाता है कि बॉलीवुड की कई जो वहाँ पर लोग पुराने बैठे हैं उनकी फिल्में नहीं चलती हैं, तब भी वो दिखाते हैं हमारी फिल्में चल रही है, चाहे वो फेक टिकट कलेक्शन हो, चाहे फिर वो उनका पूरा जो कलेक्शन है वही फेक हो, पर एक्चुअली में दिखाया जाता है कि सबकी फिल्में चल रही हैं, क्योंकि फिल्में चलेंगी तभी एडवर्टीजमेंट मिलेंगी और वहीं से पैसा रिकवर होता है, ऐसा कि खुलासा किया है एनके सूची ने। तो इसी के बीच उन्होंने कहा कि सुशांत की जब फिल्में चलने लग गई थी तो बॉलीवुड को खतरा हो गया कि भैया इसकी फिल्में चलेंगी तो इसको एडवर्टीजमेंट मिलेंगी, इसको पैसा मिलेगा, तो एडवर्टीजमेंट अगर इसको मिल जाएंगी तो हमको क्या मिलेगा भैया। और कहा जाता है कि इसी के बाद कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत से दूरियां बनाने लग गए थे लोग, और कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर कुछ लोग हैं इंडस्ट्री के जिन्होंने ये पूरा काम कहा जा रहा है कि किया है। अब वो कौन है कौन नहीं है ये नहीं पता। कुछ ऐसी बातें जब एनके सूजी ने सामने रखी तो मैं चौंक गया कि एनके सूजी का साफ कहना था कि अंडरवर्ल्ड जब इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुआ तो कहीं ना कहीं तब आसपास कोई नहीं था, अंडरवर्ल्ड बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहा था। उन्होंने कहा आपने सुना होगा कि सुशांत कारों में सोया करते थे, उनके पास जो थ्रेट्स आते थे, जो बातें कोई इनको कह रहा था वो किसी ना किसी से तो वो शेयर करते ही होंगे, और जब वो शेयर करते थे तो कहीं ना कहीं वो लोग भी आगे बात पहुँचाते थे। अब कहीं ना कहीं सुशांत अपने घर पर नहीं कारों में सोया करते थे, 50 सिम बदल ली, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके थे जो सुशांत को जीने नहीं दे रहे थे। पर एक्चुअली में अंडरवर्ल्ड का इस पूरे मामले में किस प्रकार हाथ है, कैसे अंडरवर्ल्ड ने इस पूरे मामले को अंजाम दिया, ये कोई नहीं जानता। पर कहीं ना कहीं एनके सूजी ने साफ साफ बोला है कि इस पूरे मामले में अंडरवर्ल्ड का इन्वॉल्वमेंट है, और वो भी बहुत अच्छे से है। इसी के साथ आपको बता दिया जाए, एनके सूजी की सारी बातें सुनने के बाद हम चौंके जरूर थे, पर हम फिर चौंके जब एनके सूजी ने ये बात बताई उस चैनल पे कि जो सीबीआई है उनके आने के बाद जब वो जांच करने गई तो वहाँ पर पहले ही पूरे सबूत मिटा दिए गए थे, सबूत मिले ही नहीं तो जांच भी क्या होगी, जब सबूत ही नहीं हाथ में आएंगे तो भैया कैसे निकल के आएगा चीज़ें कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जैसे अंकित सूद जी ने बताया कि जब श्रीदेवी की डेथ हुई या दिव्या भारती की डेथ होती है, जिया खान की डेथ होती है, सुशांत की डेथ होती है, कई अन्य लोगों की डेथ हो जाती है सुशांत के जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं सुशांत केस में जब कोई विटनेस ही निकल के नहीं आएगा तो न्याय कहाँ से मिलेगा। और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सीबीआई के पास सबूत होंगे तो वो ज़रूर बाहर आएगी, और अगर सबूत ही नहीं बचेंगे तो कहीं ना कहीं ये मामला कहाँ जाएगा। तो इस प्रकार कई सारी बातें उन्होंने की हैं, पर इन सब के बातों के बीच हमें याद आया कि 2020 में एक न्यूज़ चैनल ने एक आर्टिकल छापा था कि सीबीआई रिया का पॉलीग्राफ टेस्ट लेना चाहती है या लेगी, तो जिस प्रकार चीज़ें निकल के आईं, बाद में कुछ खबरें निकल के आईं कि सुशांत के 15 करोड़ रिया ने विड्रॉ किए हैं, ऐसी खबरें बहुत ज़्यादा वायरल हुई। पर एक्चुअली में क्या ऐसा हुआ था, अगर ऐसा हुआ था तो मुझे लगता है कि चलिए सीबीआई के हाथ में सबूत नहीं थे, पर ईडी और एनसीबी के हाथ में तो सबूत लग गए थे, क्योंकि सबूत ना होते तो इतनी सारी खबरें 2020 में जो चली हैं ये ना चलती। तो अगर एनसीबी चाहे और ईडी चाहे तो मुझे लगता है कि ये दोनों भी अपना काम अगर प्रॉपर तरीके से जो कर रही थी, आज भी अगर ये प्रॉपर तरीके से काम हो जाता तो शायद बहुत सारे लोगों के चेहरे से बहुत सारे नकाब उतर जाते। आपको क्या लगता है कि सीबीआई के हाथ में सबूत नहीं होंगे, हो सकता है सबूत मिटा दिए गए हों, पर जब ईडी आई एनसीबी आई तो उन्होंने बहुत सबूत निकाले थे, ये खबरें खुद देश की मीडिया ने चलाई थी अपने चैनल्स पर। तो आपको क्या लगता है कि सीबीआई एनसीबी के पास जो सबूत हैं वही बहुत सारे लोगों को एक्सपोज कर सकती है बॉलीवुड के, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि एनके सूजी ने सही कहा, इस मामले में कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड का हाथ है, और अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर और कुछ बॉलीवुड वालों ने साथ मिलकर ये काम किया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना मत भूलिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 साथ जुड़िएगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम है सागर भल्ला 18, फेसबुक का है सागर भल्ला, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक, इन सब के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं, जाइए और जुड़ जाइए। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।